हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप 2022 या फिर 23 में एग्जाम देने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हमने हिंदी के जितने भी रचना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और आपको इस वीडियो से लगभग 2-3 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे एग्जाम्स में, चाहे आप 2022 में या फिर 23 में एग्जाम देने वाले हों। तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर छांट के रखे हुए हैं और जितने भी रचना से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम इन्वेस्ट किए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी है नामवर सिंह, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं वो राजेंद्र यादव हैं, महादेवी वर्मा की ये रचना नहीं है। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं तो राजेंद्र यादव हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू है, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन हैं, यानी जीने के लिए उपन्यास है और इनके लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन ए है रांगेय राघव, ऑप्शन बी है राहुल सक्रत्यान, ऑप्शन सी है यशपाल, ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो रांगेय राघव की जो उपन्यास है वो जीने के लिए है। क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन ए वरदान, ऑप्शन बी प्रतिज्ञा, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन सी रंगभूमि। तो रंगभूमि गोदान ये उपन्यास है प्रेमचंद का। तो क्वेश्चन पूछा गया है सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वरदान उपन्यास में यहाँ सूरदास जो है वो उपन्यास का पात्र है। क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर है, कोणार्क नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन डी मोहन राकेश। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो नाटक है कोणार्क, ये नाटक है और इसके लेखक मोहन राकेश हैं। आप इसको क्लास 11th में भी इसको पढ़े होंगे गद्य साहित्य में। मोहन राकेश का यहाँ पर पूरी रचना आपने क्लास 11th 12th में पढ़ा होगा। तो यहीं क्वेश्चन यूपी बीएड में पूछा गया है, कोणार्क नाटक के लेखक हैं तो वो मोहन राकेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, पद्मावत की भाषा है ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अवधि, ऑप्शन डी है ब्रजभाषा। तो पद्मावत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिचंद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह हरि औध। वैदेही वनवास की पुस्तक के लेखक हैं वो बिहारी हैं और इनकी एक फेमस रचना है बिहारी सत्सई। क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक हैं तो बिहारी जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, रामचंद्रिका की रचना किसने की। ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी है भूषण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भूषण। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी तो भूषण ने किया था। क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एट है, मृगावती किसकी रचना है। ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी घनानंद। तो मृगावती जायसी की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नाइन है, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऑप्शन डी यहाँ पर है महादेवी वर्मा। तो ध्रुव स्वामिनी की जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं और जयशंकर प्रसाद की और बहुत सारे फेमस रचना इनकी है। अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सारे ही फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद की और एग्जाम में आपसे कभी न कभी कोई ना कोई रचना पूछ ली जाता है। तो जहाँ पर ध्रुव स्वामिनी पूछा गया देख सकते हैं यहाँ पर, तो ध्रुव स्वामिनी की रचयिता है तो वो जयशंकर प्रसाद हैं। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टेन है, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है। ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी है कन्नौजी। तो अमीर खुसरो की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारे ही कन्नौजी में लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है। ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। आपने इसको पंच परमेश्वर क्लास 3 में इसको पढ़ा होगा, अगर आपने प्राइमरी में इसको पढ़ा होगा तो क्लास 3rd में पंच परमेश्वर कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो पंच परमेश्वर कहानी के रचना है तो वो जैनेन्द्र का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैनेन्द्र, जैनेन्द्र जी की रचना है पंच परमेश्वर कहानी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है, यानी उत्तर मध्यकाल को और किस नाम से
जाना जाता है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं भक्तिकाल, ऑप्शन बी है आदिकाल, ऑप्शन सी है रीतिकाल और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो उत्तर मध्यकाल को भक्तिकाल के भी नाम से जाना जाता है, तो यह उत्तर मध्यकाल को भक्तिकाल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्तिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन ए पंचलायत, ऑप्शन बी पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी लाल पान की बेगम, ऑप्शन डी रस प्रिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी नहीं है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार, तो यहाँ पर जैनेन्द्र था। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पंच परमेश्वर जो कहानी है इसकी रचना जैनेन्द्र ने की थी, फणीश्वरनाथ रेणु का ये नहीं है। तो यहाँ पर पंचलायत, लाल पान की बेगम, रसप्रिया, ये सारी ही रचना फणीश्वरनाथ रेणु की है कहानी है। आपने पंचलायत क्लास 12 में पढ़ा होगा पंचलायत कहानी। तो सारे ही रसप्रिया, लाल पान की बेगम और पंचलायत तीनों ही कहानी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है, और यहाँ पर पंच परमेश्वर है वो जैनेन्द्र जी द्वारा रचित है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है, तो फोर ऑप्शन से देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आधुनिक काल है, यानी उत्तर मध्यकाल को आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है तुलसीदास की रचना नहीं है। ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी, विनय पत्रिका और रामचरितमानस ये तीनों ही रचना तुलसीदास जी की है, और कवितावली यहाँ पर सूरदास जी की रचना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है तुलसीदास की रचना नहीं है, तो वो ऑप्शन बी है कवितावली तुलसीदास की रचना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। ऑप्शन ए शिव पूजन सहाय, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। व्याकरण दर्पण जो रचना है वो किशोरीदास वाजपेयी जी की है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रांगे, ऑप्शन बी है राहुल सकरत्यान, ऑप्शन सी है यशपाल, ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो जीने के लिए उपन्यास के लेखक हैं राहुल सकरत्यान। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है अंधा युग किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए उपन्यास है, ऑप्शन बी काव्य है, ऑप्शन सी काव्य नाटक है, या फिर ऑप्शन डी नाटक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अंधा युग जो है वो काव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। तो इस वीडियो में हम टोटल 18 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और कुछ हम आपको और इम्पोर्टेंट यहाँ पर रचना बता देते हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट कहानी है जो भी रचना है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम कुछ डिस्कस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे रीतिकाल की साहित्यिक रचनाएँ एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके जो रचनाकार है वो बिहारी, भूषण, केशवदास, देव, घनानंद, पद्माकर, इतने सारे रचनाकार हैं रीतिकाल साहित्य की। और इनकी रचना के बारे में बात कर लेते हैं, तो बिहारी सत्साई की रचना है बिहारी, यानी बिहारी सत्साई रचना है, और उनके रचनाकार हैं बिहारी। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, ये भूषण इनके रचनाकार भूषण हैं, नाम से पता चल रहा है शिवराज भूषण, तो इनकी रचना भूषण ने किया है। और कवि प्रिया रामचंद्र का इसके रचनाकार हैं केशवदास। तो जो भी हम आपको बता रहे हैं इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। तो अभी हमने आपको बताया बिहारी की रचना है बिहारी सत्साई, भूषण की रचना है शिवा बावनी और शिवराज भूषण, केशवदास की रचना है कवि प्रिया रामचंद्र का, और देव की रचना है भाव विलास अष्टयाम, और घनानंद की रचना है सुजान विलास कोकाशार, और पद्माकर की रचना है जगत विनोद, और है राम रसायन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीतिकाल की रचना और उनके रचनाकार के नाम। अगर आपसे पूछता है रीतिबद्ध कवि को नाम, तो रीतिबद्ध कवि हैं केशव, चिंतामणि, मतिराम, देव, रसलीन, इतने सारे रीतिकाल कवि हैं। अगर आपसे रीति सिद्ध कवि पूछता है तो बिहारी हैं, और रीतिमुक्त कवि घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा, भूषण, सारे ही रीतिमुक्त कवि हैं। और कुछ हम और आपको बता देते हैं यहाँ पर आधुनिक काल की जितनी भी साहित्यिक रचना है उनके रचनाकार के नाम, तो अंधेर नगरी, भारत दूरदर्शा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास की रचना है, देवरानी जेठानी गोपाल दास गहमरी की रचना है, चिंतामणि अगर आपसे पूछता है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अपने क्लास 12th में भी इसको पढ़ा होगा, तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, युगवाणी सुमित्रानंद पंत की रचना है, और दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रेमचंद्र की रचना, तो प्रेमाश्रम, गबन गोदान सारे ही उपन्यास है प्रेमचंद्र की। तो अगर आपसे पूछा जाता है प्रेमचंद्र की रचना, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको पूछा जाता है चंद्रकांता की रचना है देवकी नंदन खत्री ने किया है इसकी रचना। अगर आपसे पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद की रचना, तो कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये सारे ही जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सारे ही पढ़ सकते हैं इसको। जैसे रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है हूंकार, रश्मिरथी,
परशुराम की प्रतीक्षा, ये सारे ही राम सिंह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है वो परिति परिकथा है। तो कुछ और यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो निराला जी की भी रचना आपको बता देते हैं हम, तो राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, ये सब निराला जी की रचना है। और प्रेमचंद की यहाँ पर जो कहानी है वो कफन, सदगति, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, सारी ही कहानी जो है वो प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ हैं। अगर आपसे वो पूछा जाता है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी के नाम, तो रसप्रिया, लालपान की बेगम, पंचलायत, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, एक और जिंदगी, एक और जिंदगी, ये मोहन राकेश की कहानी है। और प्रेमचंद की जो कहानी है वो पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ये प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है ब्रह्मा राक्षस कहानी, तो इसके रचनाकार हैं मुक्तिबोध। और यहाँ पर इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आदिकाल की साहित्यिक रचना क्या है, तो ये इसको भी हम बता देते हैं। तो आदिकाल की साहित्यिक रचना यहाँ पर है पृथ्वीराज रासु की रचना है चंद्रवरदाई, बीसल देव रासु की रचना है नरपति नाल, खुमानमल रासु की रचना है दल पथ विजय, और हमीर देव रासु की रचना है जज्ज्वल, परमार रासु की रचना है जगनिक, और कीर्तिलता कीर्ति पताका की रचना है विद्यापति। अगर आपसे आदिकाल की साहित्यिक रचनाएं पूछा जाता है तो आप इसको आंसर दे सकते हैं इसमें से। अगर आपसे भक्तिकाल की साहित्यिक रचना पूछा जाता है, भक्तिकाल की साहित्यिक रचना, तो इनके जो रचनाकार हैं वो सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मालिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, ये सारे ही रचनाकार हैं भक्तिकाल के। और इनकी रचनाएँ हैं सूरदास की रचना है सूरसागर, तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, कबीरदास की रचना है बीजक, मालिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, कुतुबन की रचना है मृगावती, मंझन की रचना है मधुमालती, उस्मान की रचना है चित्रावली। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो हमने वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और किसी टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको रचना से रिलेटेड कोई सभी डाउट्स है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सारा कुछ डिस्कस कर सकें। और जब भी हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।